चैप्टर आपने देखा, अब पार्ट सी देखिए। पात्र हस्त दोहनाए गौ समीपम अगच्छत। पात्र हस्त मैंने हाथ में बर्तन को धोने वाले गाय दूध धोने वाले बर्तन को हाथ में लेकर गौ समीपम मैंने गाय के समीप अगच्छत मैंने गया। मास पर्यंतम मास्कर पर्यंतम मैंने एक महीने बाद, मास पर्यंतम मैंने एक महीने बाद दुधस मैंने दूध को अदोहनात मैंने ना दूधने से। एक महीने तक उसने दूध नहीं दूंगा इस लालच में कि एक महीने तक नहीं दूंगा तो और ज्यादा दूध देगी गाय। तो एक महीने तक मास पर्यंत मैंने एक महीने तक दूध ना दूधने से दुग्ध ही ना सा माधव हस्ते पात्रम दृष्ट अपूर्द्य। दूध ना दूधने से दूध रहित मैंने दूध से रहित वह माधव के हाथ हस्ते मैंने हाथ में माधव के हाथ में पात्र मैंने बर्तन को दृष्ट देखते ही माधव के हाथ में बर्तन को देखते ही अपूर्द्य मैंने कूद गई कूद पड़ी। माधव पौन पुण्यन प्रार्थयति। माधव पौन पुण्यन माने बार बार, माधव बार बार उससे प्रार्थना करता है। नंदनी कथम माँ व्याकुलोसी, क्यों व्याकुल हो रही हो, क्यों बेचैन हो रही हो। 50 किलोमीटर क्षीरम सत्वरम यक्ष। 50 लीटर क्षीरम माने दूध, सत्वरम माने सी, यक्ष माने दो। कह रहा है हे नंदनी, उससे बार बार प्रार्थना करता है, नंदनी तुम व्याकुल क्यों हो रहे, परेशान क्यों हो रही हो है। और 50 लीटर दूध है, 17 माने सी, यक्ष माने दो। पौन पुण्यन दुग्धम प्रयत्मानम माधवासा पृष्ठा पादभ्याम ताड़ित्वा रक्त रंजितम अकरोत। पौन पुण्यन माने बार बार, दुग्धम माने दूहने का प्रयास करता हुआ, बार बार दूध का दूहने का प्रयास करता हुआ सह माने हुआ पृष्ठ पाद्याम उसके पीठ और पैरों को, ठीक है। बार बार दूध दूहने का प्रयास कर रहा था लेकिन वो कूद रही थी, वो दूध नहीं दूहने देना चाह रही थी। तो उसके पैर और उसके पीठ और पैरों को ताड़ित हमने पीटता हुआ रक्त रंजित मैंने उसे रक्त रंजित कर दिया, लहू लुहान कर दिया। ताम तादृशा अवस्थायाम वीक्ष लीलावती मूर्छिता जाता। उसकी ऐसी अवस्था देख कर लीलावती मूर्छित हो गई, लीलावती उस माधव की पत्नी वो मूर्छित हो बेहोश हो गई। बहु भी उपचार है तस्या मूर्छा दूरी कृत माधवा ताम अकथ्यत। बहु ही माँ बहुत प्रकार से उसका उपचार करके इलाज करके तस्या माने उसकी बेहोशी को मूर्छा को दूर करके माधव ताम अकथ्यत माने उससे कहा, बहुत उपचार करने के बाद बहुत इलाज करने के बाद उसकी मूर्छा को उसकी बेहोशी को दूर करके माधव ने उससे कहा। ठीक बेटा, ये थर्ड पार्ट आपका खत्म हो गया। फोर्थ पार्ट है, हाँ बेटा फोर्थ पार्ट देखो। मासंते अहम धनी भविष्याम इति चिंतित एव मास पर्यंतम मया दुग्धरेयो ना धेनुरेयो ना दुग्धा। फिर मास अंते अहम माने महीने के अंत में, एक महीने तक मैं धनी हो जाऊंगा, एक महीने में मैं धनी हो जाऊंगा, भविष्य में हो जाऊंगा। इति मैंने ऐसा चिंतित माने सोचता हुआ मैं एक महीने में धनी हो जाऊंगा ऐसा सोचकर मैं मास पर्यंत माने एक महीने तक मैंने धेनु रे माने गाय का दूध ही ना दुग्धा माने नहीं दुहा। करे एक महीने के अंदर मैं धनी हो जाऊंगा ऐसा सोच करके मैंने गाय का दूध एक महीने तक नहीं दुहा। अस्मात कारणादियम दुग्धाहीना अभत। अस्मात माने इस कारण से यह दुग्धहीन हो गई, दूध देने से रहित हो गई। देवी भविष्य चिंतायाम तू मया स्वकीयम विनाशितम। देवी भविष्य की चिंता में मतलब आगे भविष्य की चिंता में तो मैंने स्वकीय मैंने अपना विनाश ही कर लिया, भविष्य की चिंता में मैंने अपना विनाश कर लिया। ए भी रक्त बिंदुआ मया चचुर उन्मीलितम यत लघ्वी कार्यम विचारम न कर्तव्यम। कह रहे इसकी खून की बूंदे रक्त की बूंदे मेरी बंद हुई आंखों को खोल दिया, इसलिए थोड़े कार्य के लिए विचार नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसकी रक्त की बूंदे ने मेरे आंखों को खोल दिया और ये थोड़े के लिए विचार नहीं करना चाहिए। सत्य में एकदम सत्य ही कहा गया है, सत्य ही कहा गया है कि अच्छे विचार का और कल्याण चाहने वाले को, कल्याण चाहने वाले को अच्छे विचार और अच्छे कार्य करना चाहिए। सुविचारम विद्यात्म कार्यम कल्याण कारक्षितम या करोत विचारे तो तद सविशीदति मानवा।
है, कल्याण चाहने वाले को अच्छे विचार और अच्छे कार्य करना चाहिए है। जो सोच विचार करके कार्य नहीं करता है, जो मनुष्य सोच विचार करके कार्य नहीं करता, वह ही अंत में दुखी का दुखी होता, वह ही मनुष्य अंत में विषादी दुखी होता है। ठीक बेटा, ये हो गया आपका कंप्लीट।